नमस्कार। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा रकत बिड़ार के बारे में। रकत बिड़ार प्रायः भारतवर्ष में मैंने अधिकतर छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में मैंने देखा है। उसको मैं आप लोगों के समक्ष शेयर करूंगा। यह जंगलों पर नहीं मिलता, ये इसको लगाया जाता है और अरहर के पत्ते के समान इनकी पत्ती होती है जो आप देख रहे हो। यह लगभग 4 से 3 फुट या 3.5 से 4.5 फुट तक की ऊंचाई तक होता है। अच्छा हरा भरा उसको पानी लग जाए, अच्छी तरह से मिल जाए तो इसको अभी तक की यूट्यूब में कभी किसी ने नहीं डाला है। मैंने सर्च करके भी देखा है, गूगल पर भी देखा है, आयुर्वेद के ग्रंथों पर टटोल करके भी देखा, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की इसके बारे में जानकारी नहीं मिली। मैंने बहुत दिन तक इसकी खोजबीन छानबीन किया जिससे कि मुझे इसकी जानकारी मिली। तो कुछ अनुभूति इसकी प्रयोगक्षित प्रयोग है जो चरक संहिता सुश्रुत संहिता में जो उल्लेख नहीं है उनके बारे में आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं और बता रहा हूं। तो मेरी इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और देखिएगा, स्किप न कीजिएगा। इसकी जो डंठल जो देख रहे हो आप, यहाँ इसकी डंठल जो है रक्त वर्ण की होती है, पत्तियां हरी वर्ण की, तीन दल में निकलती है ये। और इसकी जो पुष्प आप देख रहे हो, यह इसका जो फूल होता है वह ऊपर से काला और खिलने पर हल्का गुलाबी होता है। और इसके फल जो होता है मसूर के समान इसमें फल लगता है, जैसे चंद्रसूर हेलो बोलते हैं उनका जो फल आता है उसी तरह से इनका भी फल आता है, बीज भी वैसी रहता है। अगर अच्छा मजबूत वाले इंसान को भी इसको खड़ने के लिए बोला जाए अपने हाथों से तो ऊपर का भाग टूट जाएगा लेकिन इसका जड़ कभी नहीं निकलता, इतना इसमें मजबूत होता है। और यह हर शाखाओं से कुछ उसके फूल निकलते हैं और गुच्छों में निकलते हैं। और यह आपको इसको गाय बकरी भी चरते हैं। इसका मैं प्रयोग बता रहा हूँ, जैसे हमारी माता बहनों को पीरियड की शिकायत होती है, मासिक धर्म में गड़बड़ी हो जाती, सही समय पर नहीं आना, ज़्यादा बहना, कमजोरी रहना, खून की कमी होना, तो इनका प्रयोग करते हैं। तो हमारे इधर के वैद्य लोग जो जिसके पास उपलब्ध नहीं होता वह पंसारी के यहाँ जाते हैं और रकत बिड़ार के रूप में मज्जिट नाम की एक औषधि होती है जिसको खरीद लेते हैं, जिससे अगर उसका काढ़ा बनाओगे तो एक प्रकार का झाग भी निकलता है और लाल रक्त वर्ण में होती है। लेकिन मज्जिट जो होता है उसका लता होता है और इसकी लता नहीं होता जो आप देख रहे हो। तो मैं इसकी पूर्ण रूप से प्रयोग विधि आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जैसे हमारी माता बहन खून की कमी हो गया हो तो इसके जड़ पूरा पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हो। इसकी पत्ती को चोरहन पानी बोलते हैं, चोरहन पानी करता होता है जो चावल को हम धोते हैं खाना बनाने के वक्त, तो उसकी धोवन को निकाला जाता है उसको चोरहन पानी बोलते हैं। उसके धोवन को 1 लोटा पानी ले लेना है या 1.5 लोटा और उसको मिट्टी की हंडिया में डाल दीजिए और उसकी पत्ती को पीस करके उसमें डाल देना है। डालने के बाद उसका काढ़ा बनाए और जो मासिक धर्म से गड़बड़ी है, जो हमारी माता बहनें हैं पीरियड की शिकायत हो रही है, कमजोरी है, शरीर में खून नहीं बन रहा है, उसको पिलाने से शरीर में खून बनता है। मासिक धर्म जो गड़बड़ी है, श्वेत पदार लुक हो या लाल वाला है, सफ़ेद धाद है हमारी माता बहनों को, उसको यह पूर्ण रूप से आराम पहुंचाती है। यह पूर्ण रूप से अजमाई हुई परीक्षित प्रयोग है। मैंने किसी ग्रंथों में आयुर्वेद के शास्त्रों में मैं इसको पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसकी पूर्ण रूप से आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप इसको देख रहे हो और इसका प्रयोग कीजिए। मेरी माता बहनें भी इसका देख करके प्रयोग करना, आपको लाभ निश्चय मिलेगा। और इसकी इसी तरह से बनाना, एक कप पीना है सुबह शाम पीते तो कैसे भी आप मासिक धर्म गड़बड़ी हो, श्वेत प्रदर हो, लुकुरिया हो, खून की कमी हो, उसको यह पूरा करता है यह रकत बिड़ार। और सबसे दिव्य औषधि है, इसको मेरे गांव में 3 आदमी के पास है, बाकी और नहीं है। अत्यंत दुर्लभ प्रजाति का होता है जिसको मैंने मेहनत करके मैंने इसको प्राप्त किया। एक बहुत 70-80 साल के जो बुजुर्ग थे उसने मुझे ले जाकर के दिखाया। पहले आज से 4 महीने आगे मैंने इसका वीडियो और डाल चुका हूँ, तो वहाँ से देख लेना, या तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। उससे जिसने मुझे बताया था उससे
स्पष्ट पूछा है, प्रैक्टिकल की प्रयोग है उसको बताएं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भर हरि ओम नमस्ते जय गायत्री देवी मातरम।